Hi friends, welcome back to my channel, Cyril Says, and I am so sorry. पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी कोई videos post नहीं की हैं. Reason being, I was not well at all. अब मैं perfectly fine हूँ and I'm completely back on the track. So आज का जो हमारा video है, एक बहुत ही important topic पे. समझ रहे हो ना? Usually हमारी जो friends हैं, जो dog lovers होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जब भी हम कोई डॉग खरीद परचेज करते हैं, हम सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि वो हमारे बजट में किस हद तक जा सकता है. तो अब यूजुअली आप कोई भी अच्छी ब्रीड देख लो, जैसे कि डॉबरमैन, पिंचर, ग्रेट डैन और लासा, टिबेटियन मैस्टिफ एंड जर्मन शेफर्ड, ये सारा स्पेशली ग्रेट डैन, ये ऐसी कुछ ब्रीड्स हैं जिनके आप पपीज़ अगर अच्छी क्वालिटी वाले लेने जाओगे तो आपको मिनिमम 30,000 तो आपको पे ही करना पड़ेगा. गजब बेइज्जती है. तो ऐसे में एज अ फैमिली जब हम एक डॉग को घर पे लाने के लिए कोशिश करते हैं तो हमारी पहली चॉइस होती है लैब्राडोर या फिर लैब्राडोर रिट्रीवर, क्योंकि ये एक फैमिली फ्रेंड टाइप के डॉग्स होते हैं. ये जल्दी जल्दी घुल मिल जाते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते. तो ऐसे सिचुएशन में जब हम एक डॉग को घर पे लेके आते हैं तो पहली प्रायोरिटी जो हमारे लिए होती है वो उसका फीडिंग सेशंस. अब 0 to 6 months में तो हम उसको हल्की फुल्की डाइट्स दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, आप उनको कभी भी दूध मत दो, रोटी मत दो विद इन द फर्स्ट 6 months, क्योंकि जो डॉग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है. और हमारे बहुत फ्रेंड्स ये गलती करते हैं, स्पेशली इंडिया में तो मैंने 90% टाइम मैंने ये देखा है लोग दूध रोटी कुत्ते के सामने रख देते हैं, बट दैट्स एक्चुअली नॉट करेक्ट. अगर आपको कोई लिक्विड देना ही है उसको तो आप उसे दाल का पानी दे सकते हैं, है ना, चावल का जो मांड रहता है वो आप दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं. तो आज जो मेरा जो पूरा वीडियो है, सम और द अदर वे छाछ के अराउंड ही है विद इन द फर्स्ट 6 months ऑफ अ लाइफ स्पैन ऑफ अ पपी. तो अब फर्स्ट 6 months में तो हमने उसको वैक्सीनेशन करवाया, उसको लेके आए, हमने छाछ वाछ पिलाई उसे, ठीक है, अच्छे से रखा उसको. सर्दियों में हमने छाछ पिलाई, गर्मियों में हमने उसको कुछ भी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो हमने उसको खिला दिया. मेन जो हमारा प्रॉब्लम है वो है हमारा 6 months के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि अब लाइफ लॉन्ग तो उसको छाछ पे ज़िंदा नहीं रख सकते. तो 6 months के बाद क्या होता है, हमें उसकी डाइट चेंज करनी होती है. अब जब हम एक अच्छा ब्रीड लेके आए तो ऑब्वियसली हम लोग यही चाहेंगे तो हम उसको क्वालिटी फूड दें. अब क्वालिटी फूड का मतलब, जैसे ही हम क्वालिटी फूड बोलते हैं हमारे दिमाग में 3-4 चीज़ें आती हैं, पेडिग्री, रॉयल कैनिन, ट्रूल. अब ऐसी चीज़ें इतनी कॉस्टली होती हैं, 3 किलो का भी आप पैक लेने के लिए जाओगे 600-700 से कम का नहीं रहता. एंड डॉग्स को कम से कम दिन में ये 2 बार तो देना ही देना होता है, दैट इज़ अ मस्ट. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ बेसिक घर की बनी हुई चीज़ें हम डॉग्स को दे सकते हैं जो कि हमारी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा, प्लस इट विल बी अ गोल्डन माइलस्टोन फॉर योर डॉग्स हेल्थ. तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन. चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो एक जानवर हो, हमारे शरीर का जितना वेट होता है उसके बराबर का प्रोटीन हमें इंटेक करना चाहिए, बेटा ह्यूमन बीइंग और लैब्राडोर डॉग. तो आज स्पेसिफिकली हम लैब्राडोर डॉग के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन उसी में ही है. तो सबसे पहली चीज़ प्रोटीन, अगर हम एज अ वेजिटेरियन अगर हम सोचें तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है सोयाबीन. सोयाबीन बहुत ही सस्ता होता है, 110, 120, 130 में आपको 1 किलो मिल जाएगा. और वो आप थोड़ा थोड़ा उसको बॉईल करके उसको खिलाओ, उसको अलॉन्ग विद आप उसमें अंडे दे दो. अंडे तो आपको पता ही है, बॉइल्ड एग, डॉग्स लव देम लाइक एनीथिंग. आप उनको बॉइल्ड एग खिलाओ, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ एक टाइम के बाद आपको ज़्यादा उसको येलो पार्ट नहीं खिलाना है, क्योंकि वाइट जो पार्ट आप लोग जानते ही हैं कि इट्स अ नेचुरल कंटेनर ऑफ प्रोटीन्स. तो आप उनको दिन में 2 बार आप उनको ये प्रोटीन वाला ये आपका जो डाइट है ये आप दे सकते हैं. अब इसमें क्या होता है कि आप अंडों के साथ उसको फ्रूट्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दे सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं दे आर रिच इन फाइबर,
जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, आई मीन टू से फॉर अ डॉग ऑल्सो। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्केड्यूल, जो लास्ट पार्ट है हमारे वीडियो का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आप उसे फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए, लाइक एप्पल्स, बेल पेपर, शिमला मिर्च, सब खिलाइए। जितनी कच्ची वेजिटेबल्स वो खा सके उतना अच्छा। हाँ या एक सेफ्टी टिप आपको मैं देता हूँ, आपके डॉग को जितना हो सके आप उसे धनिया खिलाइए। धनिया ग्लू बहुत ही चाव से खाता है। अब उसके बेनिफिट ये हैं कि एक तो ये उनके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉग्स को हम रेगुलरली ब्रश तो करा सकते हैं, उसके लिए हमें स्पेशली अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है डॉक्टर के पास। बट देन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मंथ ऑन मंथ आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ ये रेमेडीज़ हमने कुछ फ्रेंड्स से ही मैंने ये सीखी हैं, बट येस दे आर वर्किंग वेरी फाइन। तो आप इम्पॉर्टेंटली आप क्या कीजिए, आप उसको धनिया खिलाने के लिए कोशिश करिए। एक तो ये उसके माउथ के लिए अच्छा है, स्टोमक के लिए अच्छा है। पुदीना कुछ तो डॉग्स खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, बट मैं जब ब्लू को सैलड्स में डाल के देता हूँ तो वो खा लेता है। आप उसे खीरा खिला सकते हैं गर्मियों में, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि कुछ डॉग्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो पानी नहीं पीते, ब्लू के साथ ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मुझे ज़बरदस्ती उसे पानी पिलाना पड़ता है। तो इन दिस सिचुएशन आप उसे खीरा खिला सकते हैं, गाजर खिला सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दे आर फुल ऑफ फाइबर, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट आप सप्लीमेंट्स में, जो कि बहुत ही सस्ते सप्लीमेंट्स होते हैं, ध्रुल के सप्लीमेंट्स मैं अपने ब्लू को देता हूँ। वंस अगेन गाइज, मैं किसी ब्रांड को मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्रुल्स के विटामिन आते हैं, मल्टी विटामिन आते हैं, कोट फ्री जो उसके बालों के झड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हेल्प करता है। देन उसका कैल्शियम हो गया, उनको जो डॉग्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कैल्शियम की। तो बेसिकली हम ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही कम बजट में हम अपने डॉग को दे सकते हैं और उसे एक हेल्दी लाइफ स्पैन देने में हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड मुझे बहुत खुशी है कि वंस अगेन मैं अपने व्यूअर्स से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एंड आई एम श्योर मेरे ठीक होने में आप लोगों की प्रेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक ऐसा ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपकी और आपके डॉग की फ्रेंडशिप वाली जर्नी के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं। सो टिल देन, बाय बाय, साइन ऑफ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।